नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम ट्रबल शूटिंग करेंगे कि मान लो हमारे ब्रेक सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ मैंने लिख रखा है, इसमें कुछ साथ साथ लिखेंगे हम ट्रबल शूटिंग ब्रेक सिस्टम का। ब्रेक पैडल में अगर प्ले आ रही है और गाड़ी दूर जाके रुक रही है, तो उस केस में क्या क्या कारण हो सकते हैं एक अच्छे मैकेनिक को या एक अच्छे चालक को? एटलीस्ट ये बेसिक्स कारण पता होने चाहिए ताकि वो समय पे उनका उपचार कर सके। गाड़ी रोक, जरूरी नहीं है ये मैकेनिक के ही काम आएगा, एक अच्छे चालक को, गाड़ी के ड्राइवर को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर गाड़ी में के पैडल में प्ले है या गाड़ी दूर जाके रुक रही है तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसको सही करना है। इसके अगर चालक को ये चीज़ पता है और वो उसके पास टूल्स अवेलेबल हैं और वो समय पर उसको सही कर लेता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बड़े एक्सीडेंट को होने से बचा सकते हैं, किसी की जान को बचा सकते हैं। तो वीडियो बनाने का पर्पस हमारा क्लियर हो गया, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला है कि ब्रेक पैडल में प्ले ज़्यादा हो। अगर प्ले ज़्यादा हो, पैडल प्रेस कर रहे हैं और ज़्यादा प्ले आ रही है उसमें, तो क्या करना है, हमें ब्रेक पैडल की प्ले एडजस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा है ब्रेक शू का ठीक प्रकार से एडजस्ट ना होना। जो ब्रेक के शू हैं, ठीक है, जो टायर के साथ लग रहे हैं, उसमें सही से वो एडजस्ट नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है, ब्रेक शू को एडजस्ट करना है। ये है कारण, क्या 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 कारण है। अगर प्ले आ रही है और गाड़ी दूर रुक रही है, उसका उसके ये कारण है, ये उनका उपचार है कि उनको सही कैसे करना, ब्रेक शू को एडजस्ट करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ब्रेक शू लाइनिंग का ठीक ना होना। ब्रेक शू के ऊपर लाइनिंग बनी होती है ना, जो बताया था एस्बेस्टस वाली, ब्रेक शू की लाइनिंग का ठीक ना होना। अब उसके लिए उपचार क्या है, ब्रेक शू लाइनिंग अच्छी किस्म की लगवाएं। ब्रेक शू लाइनिंग अच्छी किस्म की लगाएं। चौथा है हमारा ब्रेक शू पर तेल या ग्रीस आ जाना। ब्रेक शू के ऊपर अगर तेल आ जाता है, ब्रेक शू के ऊपर तेल या ग्रीस का आ जाना, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है, ब्रेक शू लाइनिंग को साफ कीजिए या बदल दीजिए। साफ करना है या बदल देना है, साफ करें या ब्रेक शू बदल दें, बदल दें। पांचवा क्या है इसमें, ब्रेक लाइनिंग का ड्रम के साथ पूरी तरह कांटेक्ट ना होना। ब्रेक लाइनिंग का ड्रम के साथ कांटेक्ट ना होना, कांटेक्ट ना होना। उस केस में क्या करना है, देखिए अगर ब्रेक शू टेढ़ा है तो उसे सीधा करके लगाइए, या ब्रेक ब्रेक लाइनिंग है ना, जो ब्रेक लाइनिंग है वो ब्रेक लाइनिंग को ठीक तरह से रिविट करना है और ड्रम खराब हो तो उसे टर्न करना है, तो अच्छी तरह से रिविट करना है, ऐसे
रिबिट करें, ड्रम चेक करें, ड्रम की कंडीशन कैसी है, ड्रम चेक करें, उसको टर्न कर दें। लास्ट है ठीक क्वालिटी का ब्रेक ऑयल ना इस्तेमाल करना, ठीक क्वालिटी का ब्रेक ऑयल ना यूज होना, उससे क्या दिक्कत, उसका उपचार क्या है, पुराना ब्रेक ऑयल निकाल दें, उसकी जगह अच्छी क्वालिटी का ब्रेक ऑयल यूज करना है, पुराना ब्रेक ऑयल निकाल कर अच्छी क्वालिटी का यूज करो। आप इस पूरे का जो हमने हमने ट्रबल शूटिंग लिखी है उसको पूरी का स्क्रीनशॉट ले लें चलती वीडियो में। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, और अगर आप ITI करते हैं या डिप्लोमा करते हैं तो अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये रुके ना, आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहे। ठीक है, आई होप इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके भी अपनी क्वेरीज को हमें DM कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आगे से आगे शेयर करते रहें।